हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। पहले हम पढ़ेंगे आरोही क्रम, उसके बाद अवरोही क्रम, और दोनों पर हम उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हो जाओ जल्दी से तैयार, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ, या आप कह सकते हो कि कम से ज़्यादा की तरफ। अब ये क्या है तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। जैसे बच्चों आप स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में आप जब प्रेयर करते हो तो सबसे पहले कौन सा बच्चा खड़ा होता है? जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा, फिर जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है। तो ये क्या होता है, देखो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है ना, तो इसी को कहते हैं आरोही क्रम। समझ में आया ना बच्चों? अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इससे आप और बढ़िया समझोगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ बच्चों एक, ठीक है, कोई भी संख्या लिख दो, मैं यहाँ पर एक लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ नौ, तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। नौ के बाद मैं लिख देता हूं पंद्रह, ठीक है, और पंद्रह के बाद बढ़ते ही क्रम में लिखना है तो हमें क्या लिख देंगे, मान लो बीस लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है, बड़ा ही हो जा रहा है ना। तो इसी को कहते हैं बच्चों आरोही क्रम, जो छोटे से बड़े की तरफ जाए, ठीक है। और यहां पर मैं और लिख दूं, मान लो पच्चीस लिख दिया, ठीक है, अगर यहीं पर इसके आगे मान लो पच्चीस ना लिख करके लिख दूं उन्नीस, अगर ये कह दूं कि आरोही क्रम में है कि नहीं है, तो आप कह देना कि नहीं आरोही क्रम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां तो हम बढ़ते गए, लेकिन यहां पर ये 20 से 19 कम है, इसलिए ये आरोही क्रम में नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आरोही क्रम का मतलब है कि घटते से बढ़ते क्रम, ठीक है, मतलब छोटे से ज्यादा की तरफ। ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। अगर आपको आरोही क्रम समझ में आ गया तो अवरोही क्रम तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अवरोही क्रम आपका अवरोही क्रम का जस्ट उल्टा होता है। मतलब जैसे हमने यहां पर बताया कि घटते से बढ़ते क्रम में जाना है, तो अवरोही क्रम में आपका बढ़ते से घटते क्रम में जाना है। कैसे, देखो यहां पर जैसे यहां पर मैं लिख दूं 25 लिख दिया, ठीक है, अब इससे छोटी कोई संख्या लिख देता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 19, ठीक है, अब 19 से छोटा और कोई लिख देता हूं 15, 15 के नीचे 12, मतलब कोई भी संख्या लिख देता हूं, तो ये क्या है, देखो घटते हुए क्रम में जा रहे हैं ना, तो इसी को कहते हैं अवरोही क्रम। समझ में आया ना, बड़े से छोटे क्रम में ये जा रही है तो इसको कहेंगे अवरोही क्रम, और जब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाए उसे कहा जाता है आरोही क्रम। ये आपको क्लियर हो गया होगा ना बच्चों। अब इस पर हम करेंगे क्वेश्चन और समझेंगे कि कैसे आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं हम, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं बच्चों, कि जो भी संख्या जितने ज्यादा अंकों की होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। क्या बताया हमने, कि जो भी संख्या जितने ज्यादा अंकों की होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। कैसे, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 213, ठीक है, उसके बाद मैं लिख दूं 3215, वैसे तो हजार में है तो ये ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी समझो, मैंने बताया कि जो भी संख्या ज्यादा अंकों की होगी वो ज्यादा बड़ी होगी संख्या। देखो यहां पर कितने अंक है, 1 2 3, इसमें है 1 2 3 4, ठीक है, अब देखो इसमें ज्यादा अंक हैं इसमें कम है, तो मैंने बताया कि जिसमें ज्यादा संख्या अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, तो यहां से देख लो कि ज्यादा अंक है तो ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी संख्या। तो बस ये समझ में आ गया ना। अब हम समझते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे आरोही और अवरोही क्रम पर। जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, चलो 2227, 3127, यहां पर भी 215, 4355, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब इसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को मैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करूंगा और अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करूंगा, तो पहले मैं आरोही क्रम में करूंगा, तो इसलिए यहां पर आरोही क्रम लिख देता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में करने के, देखो आरोही क्रम क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि घटते से बढ़ते क्रम में, इसका मतलब यह है कि जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन से जो संख्याएं हैं कितने कितने अंक की हैं,
क्यों देखेंगे उसको, तो अभी हमने आपको बताया कि जो कम अंक को होगी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कौन कौन से कितने अंक के हैं। तो ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये देखो आपका बच्चों, दो संख्याएं हैं जो कि 3 अंकों की हैं और 2 संख्याएं हैं जो कि 4 अंकों की हैं। तो ये जो आपकी 3 अंकों की हैं संख्याएं, ये तो पता चल गया आपकी कि छोटी हैं। लेकिन अब इसमें भी आपको कन्फ्यूजन है कि बच्चों सर ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा छोटा होगा। तो बच्चों अब इसको समझने के लिए अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में ये तो पक्का हो गया कि भाई ये दोनों छोटे हैं इन दोनों से, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको कि इन दोनों की पहली संख्या देखेंगे हम कि कौन सी संख्या छोटी है, उसको हम पहले लिखेंगे। तो आइए पहली संख्या इसकी देखते हैं। तो पहली संख्या यहां पर 2 है इसमें, और इसमें भी आपकी 2 ही है, ठीक है। तो पहली संख्या बराबर है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, अगर पहली संख्या बराबर है तो हम दूसरी संख्या अब देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या यहां पर इसमें क्या है आपका 2 है, और इसमें चलते हैं तो 1 है। अब बच्चों बताओ मेरे कि 1 छोटा होता है कि 2 छोटा होता है। तो आप जल्दी से बोल दोगे कि सर 1 छोटा होता है 2 बड़ा होता है। तो एक क्या हम करते हैं, अब ये वाली संख्या हम पहले लिख देंगे क्योंकि ये वाली संख्या आपकी छोटी हो गई, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 215, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली संख्या लिख देंगे क्योंकि इसके बाद ही ऐसी ये वाली संख्या है जिसमें कम अंक है, मतलब कि 3 ही अंक है ना। तो इसके बाद हम ये वाली संख्या लिख देते हैं, ठीक है, 227। अब बचे आपके ये दोनों, ठीक है। अब इसमें भी यही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये तो 4 अंकों की है तो हम इनकी पहली संख्याएं देखेंगे कि कौन सी छोटी है। तो देखो यहां पर आपका 3 है इसमें पहले, और इसमें 4 है पहला वाला अंक। अब तो इसमें पहले ही मिल गया कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो 4 और 3 में कौन सा छोटा होता है बच्चों, तो 4 और 3 में 3 वाला छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये वाला इससे तो छोटा ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं 3127। उसके बाद हम आएंगे, अब तो ये आपका लास्ट में बचा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4355। देखो अब ये क्या हुआ, सबसे छोटा यहां पर लिखा गया, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया ना। अब एक काम करते हैं, इसी को, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसी को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब मैं लिखता हूं आरोही क्रम, ठीक है। तो अब आरोही क्रम में सर कहेंगे कि आप भैया इसको उल्टा कर दो, बस हो जाएगा आपका आरोही क्रम। लेकिन यहां से मत करो, यहां से करना जो हमने नियम आपको बताया उसी से करो, ठीक है। इसका उल्टा कर दोगे तो यही आरोही क्रम हो जाएगा ना, बट यहां से आपको करना है, तो ठीक है। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि अब ऐसी संख्याएं देखेंगे जिसमें ज्यादा अंक हो, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला अंक और ये वाली संख्या आपकी क्या है, बड़ी है, बड़े ज्यादा अंकों वाली है ना। तो इन दोनों में, अब इन दोनों को पहले लिखा जाएगा, बट इन दोनों में कौन सा पहले लिखा जाएगा इसको भी डिसाइड करना हमें पड़ेगा ना। तो देखो यहां पर इसकी पहली संख्या 3 है, इसकी पहली संख्या 4 है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं आरोही क्रम, इसका मतलब है कि हमें बड़ी संख्या, बड़ा अंक देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो मतलब कि ये वाली संख्या आपकी पहली लिखी जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 4355। अब इसके अलावा यही एक संख्या है जो कि 4 अंकों की है, बाकी सब 3 अंकों की है, तो इसको लिख लेते हैं हम 3127, ठीक है। अब ये तो दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों का, ठीक है। अब बचा आपका 215 और 227। तो इसमें क्या करेंगे कि अब देखेंगे, ये तो 3 अंकों की है, अब इसमें देखेंगे कि इनकी पहली संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहली संख्या तो भाई दोनों की बराबर है, तो एक काम करते हैं हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में 2 है और इसमें 1 है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होता है, 1 की 2, तो 2 बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि हम इस वाले को पहले लिखेंगे, फिर ये तो आपका लास्ट में बचेगा ही, तो इसको हम लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा 227 और आपका आ गया 215, ठीक है ना बच्चों।
तो ये हो गया आपका आरोही और अवरोही क्रम और इस पर क्वेश्चन। अगर वैसे तो इतने में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। तो बच्चों ये हो गया आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम और इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको नोट्स की इसकी जरूरत है तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम पर जा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये आज की क्लास यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।